पार्टी बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से खबर, आज G20 को लेकर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। सुबह 8:15 से 9 तक राजघाट पर कार्यक्रम होगा। लीडर्स लाउंज में शांति दीवार पर हस्ताक्षर करेंगे सभी नेता। G20 को लेकर विभिन्न आयोजनों का आज कार्यक्रम। महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे नेता। गांधी जी के पसंदीदा भक्ति गीत का भी लाइव प्रसारण होगा। सुबह 10:15 से 10:28 तक वृक्षारोपण कार्यक्रम। भारत मंडपम के साउथ प्लाजा लेवल 2 में वृक्षारोपण करेंगे सभी नेता। और सुबह 10:30 से 12:30 तक समिट का तीसरा सत्र चलेगा। वन फ्यूचर को लेकर समिट के तीसरे सत्र का आज आयोजन होगा और आखिर में भारत मंडपम में संयुक्त बयान जारी किया जाएगा। तो वन फ्यूचर को लेकर समिट के तीसरे सत्र का आज आयोजन होगा, भारत मंडपम में संयुक्त बयान आखिर में जारी किया जाएगा। तो आज G20 को लेकर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा। राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे तमाम नेता। लीडर्स लाउंज में शांति दीवार पर हस्ताक्षर करेंगे सभी नेता। महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। G20 समिट का आज दूसरा दिन और राजघाट पहुंचेंगे सभी नेता, महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो देखिए G20 समिट का आज दूसरा दिन, लोकेश हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं दिल्ली से ज्यादा जानकारी के साथ। लोकेश, आज G20 समिट का दूसरा दिन, क्या जानकारी सामने आ रही है आज के कार्यक्रम को लेकर? और कहा जाए तो ये G20 सम्मेलन का आखिरी दिन भी है। आज सुबह ही जो ऋषि सुनक है, जो यूके के प्रधानमंत्री हैं, वो अपनी पत्नी के साथ दर्शन करने पहुंचे अक्षरधाम मंदिर, क्योंकि उन्होंने कल ही इस बात की एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में साफ किया था कि वो मंदिर को दर्शन करना चाहते हैं। तो बारिश के बीच वो दर्शन करने पहुंचे हैं। इसके बाद जो अन्य जो राजनेता हैं, अन्य राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो जो गांधी जो गांधी जी का शांत जहाँ पर उनकी समाधि है वहां पर पहुंचेंगे वो लोग, और वहां पर पुष्प अर्पित किए जाएंगे। पुष्प अर्पित किए जाने के बाद वो सभी लोग भारत मंडपम पहुंचेंगे और वहां के साउथ ब्लॉक में वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया है। इसके अलावा शांति दीवार जो मौजूद है वहां पर सभी लोग सिग्नेचर करेंगे, और इस अपेक्षा के साथ कि विश्व में शांति का माहौल बना रहे, और जो देश है उनकी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, खासकर G20 के देश। और बाद में जो थर्ड सेशन है इस पूरे G20 समिट का, जो कि वन फ्यूचर पर आधारित है, वो 10:30 से लेकर 12:30 तक रहेगा, और इसके बाद मेहमानों के जो आवाजाही है, जो वापसी का दौर है, वो शुरू होगा। जानकारी के मुताबिक तकरीबन 12:30 से 1 के बीच में जॉय बाइडन भी वापस अमेरिका के लिए रवानगी कर जाएंगे, और उसके अलावा एक एक करके जो हमारे राष्ट्राध्यक्ष हैं वो भी धीरे धीरे वापस लौटेंगे। कुल मिला के कहा जाए तो आज बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि इस सब के बीच दिल्ली का मौसम भी बेहद सुहावना है, देर रात से बारिश हो रही थी, इन बारिशों ने मौसम को और अधिक सुहाना कर दिया है, और एक एक करके बाद कुछ देर के बाद जो है वो राजघाट पहुंचना उन राष्ट्राध्यक्षों का शुरू हो जाएगा, और गांधी जी की समाधि पर वो लोग पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। बिल्कुल, और देखिये पहले दिन की बात की जाए तो कई महत्वपूर्ण जो नतीजे हैं वो निकल कर सामने आए हैं G20 समिट को लेकर। अगर हम बात करें, चाहे वो जिस तरह से एक संयुक्त बयान जारी किया गया है, रूस यूक्रेन वॉर को लेकर भी एक संयुक्त बयान जारी किया गया, हालांकि रूस का इसमें नाम नहीं था, लेकिन वॉर इन यूक्रेन इस टर्म का यूज़ किया गया है, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। इसके अलावा आज वन फ्यूचर को लेकर किस तरह से कार्यक्रम का शेड्यूल जो है वो सामने आ रहा है, लोकेश क्या इसको लेकर कोई जानकारी सामने आ रही है? देखिए, जो तीन शेड्यूल थे जिसमें वन अर्थ, उसके बाद वन फ्यूचर की बात कही जा रही थी, तो ये थर्ड जो सेशन है वो वन फ्यूचर पर आधारित है, और ये कहा जाए कि भारत की एक बड़ी कूटनीति हुई है इसमें साबित हुई है कि उन्होंने एक बेहतर तरीके से विश्व में शांति बनाए रखने को लेकर के आह्वान किया था, और उसको लेकर के एक संयुक्त घोषणा पत्र जो है वो जारी किया गया है। हालांकि थर्ड सेशन के बाद ही पूरे G20 समिट को लेकर के ब्रीफिंग की जाएगी। कल भी अलग अलग समय पर जो
अलग अलग राष्ट्राध्यक्ष थे, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में, जो कि भारत मंडपम में मौजूद है। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि G20 समिट को लेकर के सबसे अहम तो ये था कि अफ्रीकन यूनियन को जोड़ा गया था। इस बात को लेकर सभी ने सराहना की है कि G20 समिट में देशों की संख्या बढ़ेगी और साथ ही अफ्रीकन जो कंट्रीज हैं उनकी भी एक बेहद जो महत्वपूर्ण भूमिका है इस G20 समिट में वो आगे सामने आएगी। हालांकि ये बात जरूरी है कि विश्व शांति को लेकर के संदेश दिया गया है कि विश्व में शांति बनी रहे, इसको लेकर यूक्रेन वॉर के बारे में चर्चा की गई है। और किसी भी, क्योंकि ये टर्न का यूज जरूर किया गया था कि किसी भी देश को, किसी भी देश की अखंडता को भंग करने का अधिकार नहीं है, इस बात को लेकर के जो चर्चाएं हुई उसमें ये बात रखी गई कि यूक्रेन में जो वार चल रहा है उसको जल्द से जल्द रोका जाए और उसको विश्व में एक शांति का संदेश दिया जाए। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि जो वन फ्यूचर का जो सेशन है वो बेहद महत्वपूर्ण होगा कि आखिर ये G20 देश जो कि पूरे देश, पूरे विश्व की 70% से ज्यादा जो रेवेन्यू है या ये कहिए कि जो जहाँ पर आधारभूत ढांचा है इनका उसको चलाती हैं, वहां पर वन फ्यूचर किस तरीके से वर्क करेगा, क्या एक साझा बयान होंगे, क्या साझा जिम्मेदारियां होंगी इन देशों की, इन सभी बातों पर लेकर के अहम चर्चाएं होंगी। बिल्कुल। और देखिए, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को लेकर भी कहा जाए कि एक अलायंस जो है उसका गठन किया गया है। और दूसरी बात यह है कि हिंदुस्तान से लेकर और यूरोप तक एक जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाएगा, ये भी कई कहा जाए कि एक बेहद महत्वपूर्ण। और खासकर लोकेश, अगर बात की जाए तो चीन को, चीन की काट करने के लिए, चीन को टक्कर देने के लिए ये जो कॉरिडोर बनाया जाएगा, ये निश्चित तौर पर भारत के लिए इकोनॉमिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो बेहद महत्वपूर्ण होगा। साथ ही ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का जो है वो गठन किया गया है, जिसका कहा जा रहा है कि मुख्यालय जो है वो भी भारत में ही होगा। तो कई बड़े फैसले हैं जो कहा जाए कि भारत की एक तरह से विजेता बनकर इस ग्लोबल G20 समिट के जरिए निकलता हुआ नजर आ रहा है। लोकेश, अब बिल्कुल शांतनु, देखिए वन फ्यूचर में इसी बात की बात हो रही है कि अगर बायोफ्यूल अलायंस अगर बनाया जाएगा तो किस तरीके से विश्व के सामने चुनौतियां, एक तरफ कार्बन जो एमिशन है उसको कम करना है और कार्बन एमिशन के साथ फ्यूचर में और किस किस तरीके की चीजें लाई जा सकती हैं। इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है वो वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिहाज से बेहद अहम है, क्योंकि वो सभी देश जो मिडिल ईस्ट से लेकर के अगर भारत को कनेक्ट करते हैं तो इसका फायदा न केवल भारत को होगा बल्कि उन सभी देशों को होगा जहां से ये कॉरिडोर जो है यूरोप तक बनेगा, तो इसका फायदा सभी को होना। और इसी वजह से देखिए, वसुदेव कुटुंबकम की बात इसीलिए की जा रही है कि इस विश्व के अंदर जितने भी देश हैं वो सभी वसुदेव कुटुंब है, वो कुटुंब की तरह है एक तरीके से, सभी भाई की तरह है और वो इसी चर्चा के आधार पर आगे जो है विकास को ले जाना चाहते हैं। क्योंकि अगर इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेंगे तो यकीन मानिए कि वो सभी देश जो कि इस इकोनॉमिक कॉरिडोर से कनेक्ट होंगे वहां पर वैश्विक अर्थव्यवस्था बेहद अधिक होगी, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बढ़ेगा और इससे यकीनन उन देशों का विकास भी होगा। बिल्कुल लोकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट के लिए। और अगली खबर का रुख करते हैं, बलिया से खबर सामने आ रही है। देखिए, घोसी उपचुनाव के बाद नतीजों पर अब ओपी राजभर का बयान सामने आया है।